फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल पूजाज गुड लाइफ। आज मैं आपको बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, और वो जो कि बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश से। तो मैं आज आपको हिमाचल की घिया के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। तो चलो आइए बनाते हैं। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। एक बड़ा प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है। दो बड़े टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, और अदरक, धनिया के पत्ते, हरी मिर्ची, लहसुन और कुछ सूखे मसाले जैसे कि जीरा, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया और गरम मसाला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पर एक घिया भी ली है, क्योंकि हमने घिया के कोफ्ते बनाने हैं। तो चलो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम घिया को ऐसे छील लेंगे। इसका छिलक जो है वो हम इससे अलग कर देंगे। छीलने के बाद हम इसे बारीक कद्दूकस करेंगे। हम मीडियम साइज वाले पोर्शन से हम इसे कद्दूकस करेंगे। मैंने पूरी घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब हम कोफ्तों का मटेरियल बनाना शुरू करते हैं। खाली बाउल में कद्दूकस की हुई घिया को हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने कटोरी बेसन लिया है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि घिया पहले ही पानी छोड़ देती है। अब हम इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे और 1/2 स्पून हम रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 स्पून हम धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे, और हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें टेस्ट के लिए हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और हम इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। मिर्च डालने से टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसे कोफ्ते बनाकर कढ़ाई में तलेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इन कोफ्तों को इस कढ़ाई में डालूंगी, और मैं ऐसे ही सारे कोफ्ते तैयार करूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल दूंगी इस छलनी में, ताकि जो बचा हुआ ऑयल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर इस प्लेट में डाल लेते हैं। ऐसे ही मैं अब सारे कोफ्ते तैयार करूंगी। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। पहले हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। मैंने तेल पहले ही ले लिया था, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गरम हो गया है। इसमें हम 1 स्पून जीरा डालेंगे, और साथ में हम यहाँ पर कटा हुआ लहसुन वो हम डाल देंगे, और फिर अदरक कटी हुई, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है कोफ्तों में। अब हम इसमें कटे हुए अनियन, प्याज हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम लाइट पिंक होने देंगे,
ताकि प्याज का कच्चापन भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अनियन लाइट पिंक हो गया है, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी भी डालेंगे। मैंने फ्रेश टमाटर लेकर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। फ्रेश टमाटर का फ्लेवर सब्जियों में अलग ही आता है। अब हम इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें 1 स्पून रेड चिली कश्मीरी पाउडर डालेंगे, उससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इसे मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। और 1 स्पून ही मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है, अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और इसे अच्छे से बॉयल होने दूंगी, यानी कि उबाला आने देंगे हम पहले इसमें। इस पानी में ग्रेवी में उबाला आ गया है, अब मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि कोफ्ते जो हैं सारा ग्रेवी का पानी जो है तरी है वो पी जाते हैं, तो अभी इसको भी हम अच्छी तरह से थोड़ा पकने देंगे। हमारे कोफ्तों की ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे स्लो करके ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। अब हमें 10 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल कर देखते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और हरा धनिया के पत्ते और इसे अच्छी तरह से कोफ्तों में मैं मिला दूंगी और अब हम इन्हें सर्व करने की तैयारी करते हैं।